नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज द मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है एक बहुत ही अच्छे चीज के साथ। और वो अच्छी चीज क्या है कि भाई एक साल का पूरा कोर्स तुम वेदांतु से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हो, शुरू करते हैं। हाँ जी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब देखो, एक तरीका तो सबको पता है, वो है यूट्यूब। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यूट्यूब तो भाई सबको पता है, पूरी दुनिया को, कि यूट्यूब से फ्री पढ़ाई की जा सकती है। और एक साल क्या, पांच साल, दस साल, तुम जितने साल पढ़ना चाहो। ऑल्दो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम एक ही क्लास की चीजें पांच साल या दस साल पढ़ो या ऐसी नौबत आए, बट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यूट्यूब तो एक ऑप्शन है, तो वो बताने नहीं आया हूं। अब दूसरा ऑप्शन है कि यूट्यूब के अलावा क्या पेड कोर्सेज फ्री में पढ़े जा सकते हैं, तो हाँ ऑप्शन है। और वो ऑप्शन है, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत तुम समझ रहे होगे, थोड़ा बहुत मैं तुमको समझा देता हूं। कॉमन सेंस की बात है कि काबिल, क्योंकि फ्री में सबको नहीं पढ़ाया जा सकता है। पूरी दुनिया को मैं फ्री में पढ़ा दूं तो ऑब्वियसली वो सेंस नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो बच्चे को फ्री पढ़ना है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए तो कोई मतलब डिस्कशन ही नहीं है। वो यूट्यूब पे पढ़ लो एक साल के, जितने साल चाहो। और मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे सारे कॉन्टेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं इस चैनल पे। आपको हर एक टीचर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मिलेगा। ठीक है, वेदांतु में सब कुछ मिलेगा, जेई भी मिलेगा, नीट भी मिलेगा, वो तो है। अब अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स फ्री पढ़ना है एक साल का, चाहे दो साल का, तो उस बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। क्योंकि बिना काबिलियत के मैं सबको फ्री पढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है बिजनेस नहीं चलेगा। तो अब वो काबिलियत से वो बच्चा फ्री पढ़ सकता है। और वो काबिलियत से बच्चा फ्री कैसे पढ़ेगा, उसका तरीका है वेदांतु का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अब रुक जाओ, हो सकता है तुमको लगा, अरे सर ये ऐसा नहीं, नहीं एक मिनट रुको, इसमें बहुत सही चीज है क्योंकि काफी आसान एग्जामिनेशन है। सिर्फ 10 सवाल पूछे जाएंगे, ओनली 10 क्वेश्चन, दैट्स इट। मैथ फिजिक्स में 10 सवाल, केमिस्ट्री में 10 सवाल और मैथमेटिक्स में 10 सवाल, सिर्फ 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओनली एक घंटे का टेस्ट है, सिर्फ एक घंटे का टेस्ट होगा, 30 सवाल आपको बनाने होंगे। इन 30 सवालों में अगर आपने अच्छे नंबर ले आए तो आप इस अच्छे नंबर के थ्रू 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं इन वेदांतु मेगा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये बात फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं। अच्छी बात यह है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, मतलब चाहे हो तो ऑफलाइन भी। मतलब ऑफलाइन का क्या मतलब, देखो आप सबको पता होगा शायद कि वेदांतु ऑफलाइन भी आ रहा है, वेदांतु ऑफलाइन बहुत सारे शहरों में खुल रहा है। तो हो सकता है अगला सेंटर आपके शहर में हो जाए, क्योंकि हम लोग टोटल 14 सिटीज में ओपन हो रहे हैं। अब 14 सिटीज में जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हारे शहर में ओपन हो जाए, तो तुम अपने शहर में ऑफलाइन भी जाके दे सकते हो एग्जामिनेशन। या फिर अगर अभी तुमको नहीं पता है खुलेगा नहीं खुलेगा, क्योंकि एग्जाम तो अभी है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी दे सकते हैं। ठीक है, कब कब दे सकते हैं, तो चार डेट्स हमने अलाउ किए। चार डेट्स मतलब ऐसा नहीं कि चारों डेट एग्जामिनेशन होगा, चारों डेट पे तो होगा, लेकिन आप इनमें से जो चाहे उस पे चुन के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 2nd दिसंबर सैटरडे है, 3rd दिसंबर संडे है, 9th दिसंबर सैटरडे है, 10th दिसंबर संडे है। ये चार दिनों में से जो तुम्हारी इच्छा हो वो चुन लो, और तुम्हारे जो नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ 10 सवाल बनाने, दैट्स इट, पक्का। अब ये एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, 0 रुपीज का एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन भरो, अगर इसमें स्कॉलरशिप मिल जाता है, जो कि मेजॉरिटी बच्चों को मिलेगा। तो इसमें आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, 100% तक की स्कॉलरशिप है। मान लेते हैं पहला तो केस ये है कि भैया अगर तुमको 100% मिल गया तब तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इस स्कॉलरशिप से आप ऑनलाइन में भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं और ऑफलाइन में भी और स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और दोनों जगह सेम परसेंटेज काम करेगा। मान लो अगर तुमको 100% स्कॉलरशिप मिला, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा बेटा ऑफलाइन का तो बड़ा महंगा कोर्स है, यहां ऑफलाइन में हम 100% नहीं दे सकते। नहीं, आपको वहां पे भी ऑफलाइन में भी 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अब 100% मिल गया तब तो बल्ले बल्ले। मान लेते हैं 100% नहीं मिला, से फॉर एग्जाम्पल एक आम बच्चा है, सोच रहा है सर मैं इतना तेज नहीं हूं, तो कम मिलेगा, 90% मिलेगा, 90% नहीं मिलेगा, 80% मिलेगा, 70% मिलेगा, अरे कुछ नहीं मिला, 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। हाँ, अगर 60% स्कॉलरशिप भी मिलता है, गिरती हालत में 50% भी मिलता है, तो एक बात बताओ, जैसे ऑफलाइन के जो फीस होते हैं वही फीस वेदांतों की भी है, इनफैक्ट मार्केट से थोड़ा कम है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मार्केट में मान लो 2.5 लाख 3 लाख रुपए ले रहे हैं ऑफलाइन में कोचिंग वाले, वेदांतु ने बोला थोड़ा कम हम रखेंगे, तो मार्केट में 3 लाख ले रहा है, हम शायद 2.5 लाख लेंगे या 2 लाख लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 2 लाख रुपए में 2 साल पढ़ाया जा रहा है, एक साल का नहीं है 2 साल का है, तो अगर 2 लाख रुपए में 1 साल पढ़ाया जा रहा है, 2 साल पढ़ाया जा रहा है, तो अगर तुमको 60% का डिस्काउंट मिल गया स्कॉलरशिप के तौर पर, तो अब आपको सिर्फ 80,000 रुपए में 80,000 में 2 साल पढ़ा दिया जाएगा।
यही कोई बच्चा जो 11 से 12th में जा रहा है वो 1 year का कोर्स लेगा, तो 1 year वाले बच्चे का फीस अगर मान लेते हैं 1 lakh rupees है, तो 1 lakh rupees की फीस है, अगर आपको 60% या इवन 50% भी मिल जाता है, तो यार तुम 50,000 rupees में ऑफलाइन बैठकर पढ़ लोगे, इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है। ऑनलाइन की फीस तो पहले से ही कम होती है, मान जैसे 60-65,000 फीस है, अगर मान लो 60,000 रुपए फीस है ऑनलाइन के कोर्स का एक साल का, 11 से 12th जाने का या ड्रॉपर वाले बच्चे का, 60,000 में अगर आधा भी हो गया तो यार तुम 30,000 रुपए में ऑनलाइन बैठ के पढ़ लोगे, क्या बुरा है ना। और तुम्हारे पास जब ये पावर रहेगा, जब मान लो तुम्हारा फीस कम है, तो तुम पता है 10 और जगह एग्जाम देकर सबका ये कर सकते हो कि आकलन कर सकते हो कि भैया हमको सबसे सस्ता और सबसे अच्छी पढ़ाई कहां मिल रही है। तो तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में ये पावर रहेगा टू टेक द डिसीजन कि यार मेरे को एडमिशन यहां लेना है, यहां लेना है, समझ रहे हो। और तो और कई सारे बच्चे ये भी करते हैं, जैसे जनरली टॉपर से तुमने सुना होगा, टॉपर्स क्या करते हैं पता है, वो 2-3 जगह इनरोल्ड रहते हैं, हर टॉपर ये करता है, और वो 2-3 जगह इनरोल होकर क्या करते हैं, अच्छा ये कोचिंग ए का ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है मैं ये पढ़ लूंगा, कोचिंग बी का ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है मैं ये कर लूंगा, और कोचिंग सी का ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है मैं ये कर लूंगा। जैसे इस साल ऑल इंडिया रैंक 27, ऑल इंडिया रैंक 21, इन लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू लिया था, तो ये दोनों बच्चे भी कहीं और एनरोल्ड थे, क्योंकि भैया टॉपर है, टॉपर तो हर जगह एनरोल होता है। तो मैंने इनसे पूछा कि यार, पहले तो मैंने इनसे इंटरव्यू इसलिए लिया था कि यार तुम बताओ कि क्या है रियलिटी वेदांतु में, तुम सच में पढ़े थे नहीं पढ़े थे, पैसा देके खरीदा वेदांतु, क्या किया। ये लोग बोले कि नहीं सर, पैसा वैसा देके नहीं खरीदा वेदांतु रिजल्ट हमारा, हम वेदांतु में पढ़े थे। तो हम बोले यार तुम तो इतना टॉपर हो और दूसरा कोचिंग भी तुम्हारा रिजल्ट क्लेम कर रहा है, तो क्या है सच्चाई बताओ। तो बोला सर हम लोग वहां एडमिशन लिए थे, वहां का सारे लोग नाम बोले थे, तो नाम बोले तो हम नाम सुन सुन के चले गए, ठीक ठाक पढ़ाया गया, बट वहां पे हमको नोट्स अच्छा लगा क्योंकि उनका प्रॉपर मॉड्यूल है, किताब उताब देते हैं, लेकिन उसके अलावा वहां पे पढ़ाई अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए तो मैं उस कोचिंग से बाहर निकलकर दूसरा ऑप्शन देखना शुरू किया, और तब मेरे को वेदांतु मिला। सबसे पहले यूट्यूब पे देखा लेक्चर, अच्छा टीचर पढ़ाए, तो फिर मैंने एनरोल किया, बहुत सस्ते में एनरोल हो गया। वो सारे बच्चे लोग भी एमवी सेट के थ्रू आए थे, क्यों, क्योंकि यार ये स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट वगैरह के थ्रू जो बच्चे आते हैं उनको, जो बच्चा काबिल होगा उसको मेजॉरिटी स्कॉलरशिप मिलती है। तो उन्होंने बताया सर बहुत सस्ते में मेरा एडमिशन हो गया, और जब मैं यहां पढ़ा तो वेदांतु का सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगा वहां का पढ़ाई। तो हेंस टॉपर और सारे वो बच्चे जो काबिल होते हैं वो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन दे देते हैं, एमवी सैट इज वन ऑफ देम। और वो बच्चे भी जो एमवी सैट दिए, भाई 10,000-20,000 रुपए मैक्सिमम उन लोगों को देना पड़ा था, और 10-20,000 रुपए में उनका मस्त पढ़ाई हो गया। बाद में उनको समझ में आया कि यार यहाँ की पढ़ाई सबसे अच्छी है, तो उन्होंने वो ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी थी, जहाँ पे उन्होंने 2-1.5 लाख रुपए दिए थे, वो उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी। हालांकि उनको वहां उतना नहीं देना पड़ा क्योंकि वो टॉपर थे, उन्होंने बताया कि सर 20-30 हज़ार में वहां पे भी काम हो गया था। बट एटलीस्ट मेरे हाथ में ये पावर था कि मैं अपने से ये डिसाइड कर सकता था कि मैं कहां पढ़ूंगा, कहां का नोट्स यूज करूंगा, कहां की सर्किल यूज करूंगा, वो सब चीज उनके दिमाग में सॉर्टेड था। तो आप भी इस पावर में आइए, इस एमवी सैट का सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलना चाहिए और आप यही उठाइए कि आप इस एग्जामिनेशन को भरिए, देखिए कितना परसेंट स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, आपका बजट अलाउ करता है, गेट इनटू दिस, समझ गए। और अभी तो एग्जामिनेशन फ्री है, तो भैया इसमें तो बजट की बात ही नहीं है, जो बच्चा काबिल है वो भी लिखो, जो नहीं काबिल है वो भी लिखो, अपने चेक करने के लिए अपने आपको उसके लिए भी लिखो, ठीक है। चलिए भाई अब एग्जामिनेशन के और डिटेल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 10-10-10-10 सवाल, सब में 10 आएंगे, 4 नंबर मिलेगा सही के लिए, और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो -0 है, अंडा है नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे अच्छी बात। मूविंग फॉरवर्ड 2, 3, 4, 9 और 10, 4 दिन ये एग्जामिनेशन है, 4 दिन में से कहीं से भी कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, जो ज्यादा काबिल बच्चे होंगे या बहुत अच्छा करेंगे उनमें, उन बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ साथ कुछ अश्योर्ड प्राइजेस भी हैं, जैसे स्पेस रिसर्च सेंटर में जाने का एक मौका, ड्रोन, टेलीस्कोप, स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीजें, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इससे आपको बहुत फायदा ये होगा कि भाई स्कॉलरशिप तो मिली रही है, उसके साथ कुछ और अच्छी चीजें भी मिल गई, ठीक है। तो ये सारे फायदे आपके लिए रहेंगे। अब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मैं दिखा दे रहा हूं, सारे लोग जरा ध्यान से देखो कि कैसे रजिस्टर करना है। ये रहा अपना वीडियो, मैं इसको इधर ओपन कर लिया, इसी वीडियो में नीचे चले जाओ, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लेम योर फ्री कोर्स नाउ और vsat.vedantu.com लिखा हुआ है, इसी वीडियो पे, इसी लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट 2023-24, और ये जैसे ही ओपन हुआ ये सारी चीजें ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो अपने शहर में ऑफलाइन दे दीजिए, नहीं तो ऑनलाइन तो दे ही सकते हैं। और हाई हर्ष यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, क्योंकि मैं पहले रजिस्टर कर लिया था, एक सेशन में रजिस्टर करके दिखाया था,
अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो टेलीग्राम लिंक मेरे को दे दिया जाएगा, इस टेलीग्राम पे मैं बाकी के सारे डिटेल देख सकता हूं कि भाई कब क्या अपडेट आ रहा है। और अगर आप नहीं रजिस्टर्ड हैं तो यहां पे रजिस्टर करके आपको दिखाना होगा। जैसे मैं एक बार लॉग आउट करता हूं, मैं दिखा देता हूं कि कैसे रजिस्टर हुआ था। तो यहां पे स्टूडेंट नेम आएगा, फिर ये तुम्हारा ग्रेड आएगा, फिर तुम्हारा बोर्ड। तो जैसे मान लो अगर अभी तुम 11th में हो तो तुम 11th डाल दिए। क्या कर रहे हो, जेई या नीट, तो जेई कर दिए। कौन से मोड ऑफ एग्जामिनेशन में देना चाहते हो, तो जैसे मैं जनरली ऑनलाइन प्रेफर करता हूं तो मैं ऑनलाइन दूंगा एग्जामिनेशन। और कौन से शहर में देना चाहते हो, तो भैया मैं भोपाल में हूं तो मैं भोपाल लिख दे रहा हूं, भोपाल मध्य प्रदेश, अपना मोबाइल नंबर डाल के काम सेट। समझ गए सारे, क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसमें रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके इस एग्जामिनेशन को लिख दीजिए। और ये अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, भैया उन सबके साथ जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ दोस्तों के साथ जाने से ये फायदा, मान लो 5 दोस्त या 10 दोस्त गए, एटलीस्ट तुमको अपने उन 5-10 दोस्तों के बीच में तुम्हारा लेवल पता चलेगा। मान लो 10 दोस्त का ग्रुप है तो उन 10 में, उन 10 में तुम कौन से लेवल पे हो, फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, ये पता चल जाएगा। ये भी काफी मोटिवेशनल होता है अपने आप में। देखो ऐसे तो तुमको इसमें रिजल्ट पूरा ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में बच्चे इस एग्जामिनेशन को लिखेंगे। तुमको रिजल्ट, तुम्हारा जो रैंक है, उन लाखों बच्चों के बीच में मिलेगा, तो वो तो पता चलेगा ही। बट तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है उसके बीच में तुम्हारा क्या है, वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं आपके इस एग्जामिनेशन के लिखने का। तो सर ऑप्शन रादर देन कोटा फॉर प्लीज क्लास टेंथ एग्जाम गुड कोचिंग प्लीज, ठीक है बता देंगे बेटा आकाश, नीचे कमेंट कर देना मैं बता दूंगा। ठीक है, गिफ्ट में क्या है, गिफ्ट में बहुत कुछ है सुनील जी, पहले एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, क्लैरिटी है तो, और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। सारे लोग इस एग्जामिनेशन को दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए, और इस एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे तो भाई स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो ये दोनों फायदे हैं आपके लिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी पास ऑन कीजिएगा, उनकी भी लाइफ बदले। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से एग्जामिनेशन के दिन और एग्जामिनेशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ अच्छा एक और बात, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर हमको थोड़ा एमवी सेट का कुछ एक आध दो प्रिपेयर करा दीजिए, या कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे दीजिए, या सैंपल क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर रिक्वायर्ड डिमांड आया बच्चों का, कर देंगे इसका एमवी सेट का कुछ सैंपल पेपर वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।